थिएटर में जाके मूवी देखना किसे पसंद नहीं है, स्पेशली अगर वो एक हॉरर मूवी हो तो आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट थिएटर में हर एक कोने से मिलता है। और साथ में साथ अगर आप एक म्यूजिक लवर भी हो तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि बात करेंगे एक छोटा सा डिवाइस के साथ आपको 5.1 चैनल का म्यूजिक आउटपुट कैसे मिल सकता है और कोई भी रूम को आप एक होम थिएटर के साथ एक मूवी थिएटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस के बारे में। ये है एक HDMI ऑडियो स्ट्रक्चर, ये सपोर्ट करता है 5.1 चैनल का ऑडियो आउटपुट। तो इसके साथ आप लोगों को चाहिए एक सबवूफर विथ 5 स्पीकर, क्योंकि यहाँ पे 5 स्पीकर है इसीलिए 5.1 सबवूफर सिस्टम इसे बोला जाता है। इसके साथ हमें मिल जाता है एक पावर कॉर्ड जिसे हमें कनेक्ट करना है। ये एक USB पावर कॉर्ड है, आप ऐसे निकाल सकते हो, नॉर्मल मोबाइल का जो होता है आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे DC 5 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा। एंड इसके साथ आपको मिल जाता है 6 पोर्ट, एंड यहाँ पे होता है HDMI आउट, ये आउटपुट के लिए है। एंड फ्रंट पे आपको मिल जाता है HDMI इन, यहाँ पे आपको इनपुट डाला जाता है। और आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो AUX केबल के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मिल जाता है एक बटन जिसके साथ आप 2 चैनल या फिर 5.1 चैनल का जो आउटपुट है उसे कंट्रोल कर सकते हो। एंड मिल जाता है साथ में साथ एक वॉल्यूम कंट्रोल बटन, जो जनरली अगर आप TV में यूज़ कर रहे हो तो आप रिमोट से कर सकते हो, और अगर मैनुअली करना चाहो तो इस वॉल्यूम बटन का यूज़ कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस को हम लोग TV के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी TV जिसका HDMI आउटपुट का पोर्ट हो, याद रखिए यहाँ पे HDMI ARC का आउटपुट पोर्ट हमें चाहिए, नहीं तो नॉर्मल HDMI आउटपुट पोर्ट में ये डिवाइस काम नहीं करेगा। उसका आउटपुट पोर्ट के साथ HDMI का जो केबल है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। एंड एट द सेम टाइम हमें HDMI इन जो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे HDMI इन में कनेक्ट करना है। एंड इसका जो आउटपुट होगा HDMI का जो आउटपुट है उसे कनेक्ट करना है आपका सबवूफर या 5.1 म्यूजिक सिस्टम के साथ। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई कोई सबवूफर सिस्टम में HDMI पोर्ट नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को स्पीकर को अलग अलग से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास 6 पोर्ट का स्पीकर हो तो आप 6 पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं हो कभी कभी 3 पोर्ट का, जैसे मेरा 3 पोर्ट का 5.1 चैनल का आउटपुट है, तो उसके लिए आपको एक जम्पर का यूज़ करना पड़ेगा। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में मिल जाएगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टोटल सेटअप का। ये HDMI केबल कोई सा भी आप ले सकते हो, मैं जो बजट फ्रेंडली है उसका लिंक डाल दूंगा, और साथ में साथ इस डिवाइस का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम लोग मोबाइल फ़ोन के साथ इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें चाहिए एक AUX जो पोर्ट होता है वहां पे हमें डालना है इनपुट। एंड इनपुट डालने के बाद ये जो HDMI आउटपुट है यहाँ से आप लोग डायरेक्टली 5.1 चैनल कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अभी जैसे मैंने बताया टीवी के टाइम कि जम्पर लगा के या फिर सिंगल चैनल कर करके एक एक चैनल को इनपुट करके आप 5.1 चैनल कनेक्ट कर सकते हो। अब लैपटॉप का जो कनेक्टिविटी है वो भी सेम है, आपको HDMI इन का पोर्ट और लैपटॉप का जो आउटपुट है उसे कनेक्ट करना है, एंड यहाँ से आपको 5.1 चैनल का आउटपुट मिल जाएगा। मेक श्योर, एक चीज़ मैं बताना भूल गया जो है डॉल्बी डिजिटल। अगर आपका TV चैनल HD क्वालिटी का है एंड डॉल्बी डिजिटल का म्यूजिक एंड ऑडियो सपोर्ट करता है तो ही आपको 5.1 चैनल का आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आपका यहाँ ये कनेक्ट करने के बाद भी आपको 2 चैनल का आउटपुट मिलेगा। 2 चैनल मतलब 2 स्पीकर काम करेगा, फ्रंट स्पीकर, और बैक साइड का जो स्पीकर होता है वो स्पीकर काम नहीं करेगा। एज वेल एज आप यहाँ से मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको बैक चैनल सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर बैक चैनल का ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे 2 चैनल पे इसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइज, इसी तरीके से आप इस डिवाइस का यूज़ करके आपके कोई भी नॉर्मल रूम को एक मूवी थिएटर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड म्यूज़िक क्वालिटी का जो अलग अलग म्यूज़िक का बेस है उसे आप बहुत ही एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। एंड हाँ, इसके रिगार्डिंग अगर सेटअप में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊँगा, एक वीडियो बना के दिखाऊँगा, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।